क्वारंटाइन सेंटर बन रहा है, उस क्वारंटाइन सेंटर में लोग जो लोग रहेंगे उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, उनको आवश्यक बेसिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी, उसके लिए एक प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी रहेंगे, और अगर क्वारंटाइन सेंटर से कोई 14 दिन से पहले निकलता है तो उसके विरुद्ध हम लोग FIR करेंगे और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। साथ साथ समाज में लोगों को जागरूक करके ये हम लोग तय करेंगे कि लोग घरों से बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन का पूरी तरह से अनुपालन करें, और जनता के द्वारा जो शिकायत आई है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के दुकानदार अगर कोई गलती करते हैं, अगर कोई जमाखोरी करते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं, तो जो मार्केटिंग ऑफिसर हैं उनके साथ पुलिस पदाधिकारी के द्वारा रेड किया जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा, और उनकी संपत्ति को, उनके यहाँ जो अनाज मिलेगा उसके साथ साथ उनकी जो संपत्ति है उसको सीज भी करेंगे, ताकि समाज में ये मैसेज जाए कि इस आपदा की स्थिति में किसी तरह की मुनाफाखोरी और जमाखोरी नहीं की जाए। उसके साथ साथ हमारा जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जिला पदाधिकारी महोदय के की मदद से उनके आदेशानुसार हम लोग प्रयास करेंगे कि 24x7 मतलब 2400 घंटे यहाँ डॉक्टर्स रहें, जो भी डॉक्टर हैं यहीं रहें, नर्सेज यहीं रहें, और जो भी लोग जाते हैं उनकी प्रॉपर हेल्थ चेकअप हो, अगर उनको भेजना है तो प्रॉपर एम्बुलेंस के माध्यम से हम लोग हायर सेंटर को भेजें। साथ साथ जो रेंटर्स हैं, जो यहाँ पे किसी कारण से किराए पे रहते हैं, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए अनाउंस हम लोग करेंगे, और नगर पंचायत या नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं, कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उसके माध्यम से हम लोग ये संदेश देंगे कि इस महीने, अगले एक महीने तक किसी तरह का किराया नहीं लेना है, किराए के कारण किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं हो। इसके बाद जो लोग हाशिए पर छूट गए हैं, जो लोग किसी कारण से PDS सिस्टम में नहीं है, जो लोग किसी कारण से बहुत ही गरीब हैं, उनको हम लोग समुदाय की मदद से, प्रशासन की मदद से एक कम्युनिटी किचन डेवलप करेंगे, और ये सुनिश्चित करेंगे कि हर व्यक्ति तक खाने का सामान पहुंचे, भूखे सोने की नौबत किसी को नहीं आए। इसके लिए मेरे तरफ से और यहाँ के लोगों की तरफ से एक सम्मिलित प्रयास होगा, और मेरा विश्वास है यहाँ के लोगों ने जिस तरह का जोश दिखाया है, यहाँ के लोगों ने जिस तरह का समर्पण दिखाया है, जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, हमारे प्रेस और मीडिया के बंधु हैं, इन लोगों ने जिस तरह का कंसोलिडेटेड अप्रोच दिखाया है, उससे फतुहा में हम लोग कोरोना से जीतेंगे, और फतुहा में एक भी व्यक्ति कोरोना के चलते या कोरोना के किसी प्रभाव के चलते न भूखे मरेगा, न भूखे सोएगा, न इलाज के अभाव में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। अच्छा, एक बात, ये लॉकडाउन के लिए तो आपकी पुलिस काफ़ी जद्दोजहद कर रही है, बावजूद इसके इसका अक्षरशः पालन नहीं हो रहा है, क्या आगे आप रणनीति बदलेंगे? लॉकडाउन का पूर्णतः अनुपालन कराने के लिए जो लोग इसको नहीं समझ रहे हैं, हम लोग लगातार उनको जागरूक कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जो नहीं समझ रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं मुझे भी दिख रहा है, वैसे लोगों को हम लोग पकड़ेंगे, और अब सिर्फ भगाने का काम नहीं होगा, वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, क्वारंटीन सेंटर पर उनको अगले 14 दिनों के लिए कैद, एक तरह से अगले 14 दिनों के लिए वहीं रखा जाएगा, और अगर ज़रूरत पड़ी और हमारे हेल्थ सेंटर्स में हेल्थ सर्विसेज की कमी हुई तो हॉस्पिटल में और जहां लोगों का इलाज हो रहा है वैसे लोगों को यहां से भेज करके उनको हेल्थ सर्विसेज में कॉपरेट करें। अनुमंडल स्तर पे लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले जो लोग हैं, इस मामले को लेकर कोई मामला दर्ज हुआ है क्या? कितने मामले? अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी है, दीदारगंज में, नदी थाना में, फतुहा थाना में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज हुआ है, वैसे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।